Assalamu alaikum dear students, in the name of Allah who is the most beneficent and the merciful. With you I am Qazi Muhammad Saidullah, MPhil English Literature on the channel English Learning. Before starting my video I would like to say subscribe my channel so that you may receive my immediate videos. As you know that we are reading history of English literature. In the previous lecture I made a brief introduction about the history of English literature. Today I am going to discuss two most important terms that are mostly used in the literature, that is romanticism and otherwise classicism. What is romanticism and classicism? इसके बारे में आप ये समझ लें कि ये दो tendencies हैं, waves हैं, लहरें हैं जो कि history of English literature जिसको हमने मुख्तलिफ ages में divide किया हुआ है उन एजेस के अंदर डोमिनेट रही हैं एक दूसरे के बाद आफ्टर वन एंड अदर दीज टेंडेंसीज डोमिनेट ईच अदर. किसी एज के अंदर रोमांटिसिज्म आ जाती है, फिर उस अगली एज में क्लासिसिज्म आ जाती है, फिर क्लासिसिज्म एंड हो जाते हैं, फिर रोमांटिसिज्म आ जाती है, फिर उसके बाद दोबारा रोमांटिसिज्म क्लासिसिज्म आ जाती है. मीन्स ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, किसी एज के अंदर रोमांटिसिज्म और किसी में क्लासिसिज्म आ जाती है. अब हमने देखना कि ये जो लहर है, ये जो टेंडेंसीज हैं जो मुख्तलिफ एजेस के अंदर डोमिनेट रही हैं, इनका मतलब क्या है. अब ये जो रोमांटिसिज्म, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन हम आगे जाकर पढ़ेंगे. पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ एजेस में किस तरह से ये डोमिनेट रही हैं. तो हमारे पास पहले मैं स्टार्ट ले रहा हूँ एलिजाबेथन एज से, रेनेसांस पीरियड से. ये पीरियड हमारे पास था 17th century का, एंड दैट पीरियड 17th century, 16th और 17th century. इस पीरियड के अंदर, एलिजाबेथन एज के अंदर रोमांटिसिज्म डोमिनेट रही. मीन्स ये पीरियड था हमारे पास रोमांटिक पीरियड था. कौन सा पीरियड था? ये रोमांटिक पीरियड था जो कि डोमिनेट रहा वहां पर. अब इसके अंदर जो डोमिनेट राइटर थे वो हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर और स्पेंसर था. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एज आती है 18th century. 18th century में अगर हम जाएं तो ये हमारे पास क्लासिकल पीरियड कहलाता है. और इसके डोमिनेंट जो राइटर्स थे, जो डोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स हैं, वो हमारे पास ड्राइडन है, पोप है, एडिसन है, स्विफ्ट है एंड डॉक्टर जॉनसन है. इसके बाद हम जब अगली एज में आते हैं तो वो लेटर पार्ट ऑफ 18th century में 18वीं सदी का आखिरी हिस्सा और अर्ली पार्ट ऑफ द 19th century और 19वीं सदी की शुरुआत समझ लें आप. अब वहाँ पर रोमांटिक पीरियड फिर डोमिनेंट हो गया, यानी कि रोमांटिक टेंडेंसी हमारे पास आ गई. अब इसके जो डोमिनेंट फिगर्स हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ, ये हमारे WW लिख दिए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, स्कॉट, बायरन, शेले और कीट्स हैं ये. और ये जो रोमांटिक टेंडेंसी रही ये टिल विक्टोरियन पीरियड तक रही, रोमांटिसिज्म ये रही विक्टोरियन पीरियड तक. इसके बाद हमारे पास आ जाता है 20th century, यानी कि मॉडर्न लिटरेचर आप कह सकते हो, मॉडर्न पीरियड कह सकते हैं आप उसको. 20th century के अंदर फिर हमारे पास टच आ जाता है क्लासिसिज्म का. और यहाँ पर जो डोमिनेंट हमारे पास फिगर्स हैं वो हमारे मॉडर्न राइटर हैं जो हम फिर आगे पढ़ेंगे. अब ये तो थी क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म की आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि किस तरीके से ये रोमांटिक और क्लासिसिज्म की ये जो लहर है ये एज के ऊपर छाई रहती है. और यानी कि ये समझ लें ये मिजाज है किस्म का राइटर का, ये रोमांटिक हो जाना और उसका क्लासिक हो जाना ये मिजाज है. और उन राइटर्स के मिजाज के मुताबिक भी रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म हम उसको डिवाइड करते हैं. अब एलिजाबेथन में एज में जो मार्लो, शेक्सपियर, स्पेंसर थे उनका रोमांटिक मिजाज था राइटर्स का, इसी तरह 18th century में क्लासिक था राइटर्स का, लेटर पार्ट ऑफ 18th century और 19th century के विक्टोरियन तक ये सारा का सारा रोमांटिक रहा. फिर इसके बाद 20th century में अब जो हमारे राइटर्स हैं उनका जो मिजाज है मैक्सिमम वो क्या है, किस टेंडेंसी की तरफ है, क्लासिक टेंडेंसी की तरफ है. अब हम ये देख लें कि रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म ये दो हैं क्या चीज़ें. जो रोमांटिसिज्म है इसके अंदर जो ज्यादातर राइटर्स का वो बिलीफ इन फीलिंग्स, इमेजिनेशन एंड इमोशंस, रोमानवियत, रोमांटिसिज्म से मुराद है रोमानवियत. अब ये क्या है, बिलीफ इन फीलिंग, इमेजिनेशन एंड इमोशंस. इमेजिनेशंस के ऊपर ज्यादातर तवज्जो होती है, फीलिंग जज्बात के ऊपर और एहसास के ऊपर, जबकि क्लासिसिज्म क्या होती है, बिलीव इन रीजन, शऊर पर मबनी बातें होती हैं, इसमें इमेजिनेशन का कोई किरदार नहीं होता. सेकंड पॉइंट है कि प्रिमिटिव मोड ऑफ लाइफ,
रोमांटिसिज्म में प्रीमिटिव पुराना ओल्ड जो जिंदगी होती है ओल्ड स्टाइल के मुताबिक होती है, जबकि मॉडर्न में सोफिस्टिकेटेड मोड ऑफ लाइफ होता है हमारे पास। तीसरी बात इंटरेस्ट इन रूरल लाइफ, रोमानवियत के अंदर हमारे पास देहाती जिंदगी आ जाती है और वहाँ पर रूरल लाइफ इंजॉय करता है, फितरत को राइट इंजॉय करता है, जबकि अर्बन सोसाइटी की डिस्कशन होती है। इसके बाद रोमांटिसिज्म के अंदर हम इंटरेस्ट इन प्राइवेट थीम्स सब्जेक्टिविटी की बात होती है, जबकि ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है, पब्लिक थीम्स के ऊपर बातें होती हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ इमेज एंड द सैंपल, रोमांटिसिज्म में इमेज को, सैंपल्स को, ट्री को, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द अशिया हैं उनको सैंपल्स के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि द यूज ऑफ फॉर्म ऑफ पोएटिक डिक्शन जहाँ पर शायरी के पोएटिक अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियस ओरिजिनलिटी एंड रोमांटिक हेलेनिज्म, सेल्फ कॉन्शियस ये भी हैं, सेल्फ कॉन्शियस ये भी हैं, लेकिन यहाँ ओरिजिनलिटी पाई जाती है एंड रोमांटिक हेलेनिज्म, हेलेनिज्म कहते हैं इमिटेशन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक, ग्रीक को नकल करना, यहाँ पर इमिटेशन का लफ्ज है, इमिटेशन मीन्स नकल करना, कॉपी करना, और ये इमेजिनेशन में आ जाता है, तो ग्रीक की नकल करना उनके स्टाइल को, थॉट को, ये सारा रोमांटिसिज्म कहलाता है। जबकि इधर ये ट्रेडिशनलिज्म रिवायत पर मबनी होती है, रिवायत पर रैशनल बातें होती हैं एंड रैशनल अप्रोच और अकली अप्रोच होती है इनकी। ये तो है मेन डिफरेंस कि रोमांटिसिज्म अगर किसी पीरियड के अंदर, किसी एज के अंदर डोमिनेंट है तो वहाँ पर राइटर्स की सोच किस अंदाज में है, और अगर क्लासिक पीरियड है तो राइटर्स की जो सोच है, जो उनका मिजाज है, वो किस अंदाज में है, वो किस तरह से डिस्कस करते हैं। वैसे तो इसकी बहुत एक्सप्लेनेशन है लेकिन मैंने शॉर्ट शॉर्ट आपको बताई है। एंड के अंदर अगर हम इसकी कंक्लूजन करें रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म के, इनमें से बेस्ट कौन सी है, अगर हम इनको इन अप्रोचेस को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएं, एक्सट्रीम लेवल पर देखेंगे तो ये लिटरेचर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, डैमेज बिकेम द बिकम द कॉज ऑफ डैमेज टू द ओरिजिनल लिटरेचर, ओरिजिनल लिटरेचर की को खराबी का बहस मान जाते हैं। क्योंकि वजह क्या होती है, अगर क्लासिसिज्म को देखा जाए तो इसके अंदर ज्यादातर क्या हो जाते हैं, स्लैविश रूल्स हैं हमारे पास, सख्त किस्म के कवानीन हैं, उनकी पैरवी करनी पड़ती है, अगर उनकी पैरवी करने बैठ जाए तो राइटर की अपनी जो सोच है, अपना उसका मिजाज है, वो खत्म हो जाता है। रोमांटिसिज्म में चले जाएं तो ये इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना एक्स्ट्रा बातें करना शुरू कर देते हैं जिनका इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से रोमांटिसिज्म भी अगर एक्सट्रीम पे चले जाए तो ये भी नुकसान दे देती है। तो बेस्ट लिटरेचर कौन सा होगा, बेस्ट लिटरेचर वुड बी द बैलेंस्ड लिटरेचर बिटवीन द रोमांटिसिज्म एंड द क्लासिसिज्म, ऐसा लिटरेचर जो रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म को बिल्कुल बैलेंस लेकर चले। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं शेक्सपियर के साथ, जिसने बेहतरीन और अच्छा लिटरेचर लिखा, चासर ने उसने भी बहुत ही अच्छा लिटरेचर लिखा, तो इन्होंने बैलेंस लेकर इसको चले, तो ऐसा लिटरेचर जो इन दोनों के दरमियान बैलेंस से चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कंसिडर किया जाता है।